गाइस मम्मी यहाँ पे निक्की से मेरी बुराई कर रही है। देखो बुराई अभी आप बुराई करती बजा जाएंगे ने। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। गाइस तो धूप बहुत तेज हो चुकी है और एक दुख की बात है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या दुख की बात है। देखो ये जो हमारे फ्लावर थे ना, ये बेचारे खराब हो चुके हैं बहुत ज्यादा, मुझे बहुत दुख है। पर ये तो वो नहीं है क्योंकि ये काफी पुराने हो चुके हैं, तो इनके साथ तो ऐसे ही होना था। फिलहाल नए आ रहे हैं तो ये तो बेकार हो गए पूरी तरह से, तो मुझे बहुत दुख हुआ। 1 2 3 4 5 6 एक साथ बेकार हो गए हैं, और फिलहाल अभी 3 आए हैं, अभी और आ रहे हैं, तो मुझे इसका बहुत दुख है। और भाई इसमें पता नहीं क्या होता, समझ में नहीं आता, इसमें एक दिन फूल खिलता है और फिर झड़ जाता है। और लेकर आएंगे गाइस गमले पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कर देंगे और यहाँ इस इधर भी कर देंगे, इधर इधर जो एक एरिया बच रहा है सब जगह, मतलब पौधे पौधे कर देंगे अच्छे से। तो अभी मम्मी को ना टाइम नहीं मिल पा रहा, मम्मी को टाइम नहीं मिलता लाने का, कभी भाई को नहीं मिलता, क्योंकि वो स्कूटी पे आएंगे, ये गमले बहुत भारी होते हैं, तो देखते हैं कब तक आता है। फिर मम्मी तो रोज बोलती है भाई को, पर भाई को ही टाइम नहीं मिल रहा। और मम्मी का 2 दिन ऑफ था, आज भी है मम्मी छुट्टी पे, तो मम्मी ने कहा था भाई से कि चल, पर भाई को ही टाइम नहीं है, तो पता नहीं कब आएंगे, देखते हैं। अभी ऑफ है, कैसा लग रहा है 2 दिन का ऑफ लेके, छुट्टी लेके? मेरा जी ना लग रहा नहीं लग रहा नहीं। पढ़ लो और सुबह से घर का काम ही तो कर रही, और क्या करवा रहा है मेरे से, झाड़ू पोछा करती, झाड़ू पोछा, झाड़ू लगाई, जाने झाड़े, और बता तेरे तेरे खोपड़ी के जाने झाड़ दूं। इनसे बात ही करना बेकार है, मैं बोलती कुछ और हूँ। मेरे घर वालों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मैं बोलती कुछ और लय में हूँ, और समझ कुछ और उसमें लेते हैं, समझ में ही नहीं आता। बोलना छोड़ूंगी अपने फैमिली से, किसी से नहीं बोला करूंगी, सिर्फ पर्ची पे लिख के दिया करूंगी कि हाँ भाई ये कहना चाहती हूँ, ये मैं बोल रही हूँ, या ये मैं ये मेरा काम है, पर्ची पे लिखा करूंगी। सबसे बोलना छोड़ूंगी, इसका एक ही सलूशन है, सबसे बोलना छोड़ो। जब ऐसी बात पे रोटी, मैं नहीं खा रही रोटी, मैं नहीं खा रही रोटी। हाँ तो एक वो बताओ गाइस, रोटी से कभी चलो मानती हूँ बहन भाइयों की लड़ाई हो जाती है, तो उसमें कौन सा गुस्से में रोटी खाना छोड़ दे, क्या हुआ इधर पर? सुबह कह रही मैं नहीं खा रही की रोटी, ठीक है मैं नहीं खाता, मुझे नहीं खा रही रोटी फोटी, ठीक है वही बात बताओ क्या हुआ था। मैं सुबह खाना बना रही थी, तो क्या हुआ, आधे के लिए मेरे को परोठे बनाने थे, तो मैंने बना दिए थे, तो रात की गोभी की सब्जी बची हुई थी, तो उसने उस थैले में रखी थी, तो मैं उसका उसमें से सब्जी निकाल के प्लेट में रखी थी, तो उसने पता क्या किया, वो मेरे से वो जो उसमें सब्जी थी टिफिन लेके भाग गया, इतनी बुरी तरीके से उसने छीना, जैसे बहुत ही गंदा लगा मुझे, तो मैंने क्या किया उसको परोठे नहीं दिए। तो इसी बात पे हमारी थोड़ी सी बहस हो गई, और उस टाइम पे ही वो बहस कर रहे जिस टाइम पे मैं खाना खा रही थी। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जिस टाइम पे मैं खाना खाऊं, एक तो क्योंकि मैं खाना खिलस के खाती हूँ, मेरी है ही आदत, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ना कुछ होता है जिस टाइम पे मैं खाना खाती हूँ। और फिर ना इन लोगों ने मेरा सिर में दर्द कर दिया, मैं फिर जाके अंदर बैठ गई, मैं रोने लगी थी, रोने लगी थी बहले का इसे अंदर से। हाँ ठीक है, मेरे को चॉकलेट दो। कल मैंने इनको संतरे के लिए बोला गाइस, मैंने कल इनको संतरे के लिए बोला, ये संतरे भी नहीं लेकर आई मेरे लिए। तो पापा की वीडियो कॉल आई है, मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी बात करो। पापा नमस्ते, कहाँ पे हो, क्या कर रही? मैं कुछ नहीं कर रही, बैठी थी अभी। कहाँ पे हो आप? स्वाति का तो स्कूल गई है वो, तो अनीसान? वो भी गए हैं भैया, वो ताऊ के पास ही? नहीं ताऊ के पास से तो आ गए थे, सुबह आ गए थे। अच्छा हाँ, हेलो बोलो सबको, हेलो हेलो। कब आओगे पापा आप? सात को। अच्छा सात को आओगे, हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आप कर रहे हो हमें याद कर रहे हो? जल्दी से आ जाओ आप, पापा के बिना ना मन नहीं लगता, मतलब फैमिली में से अगर कोई भी मतलब दूर चला जाए थोड़े दिन के लिए तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। फिलहाल निक्की आने वाली है क्योंकि उसके घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो उसने मेरे को अभी कॉल किया, कह रही मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, तो मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। तो होता है कि जब गेस्ट होते हैं तो मेरे घर पे भी ऐसे ही होता है, गेस्ट होता है तो मैं खाना नहीं खा पाते क्योंकि पब्लिक वगैरह बहुत ज्यादा होती है। तो उसने मुझे कॉल किया कि मैं आ रही हूँ, मेरे को भूख लग रही है, तू मेरे लिए कुछ बना दे। तो मैंने उससे कहा कि हाँ मैंने बना रखा है, तो उसने कहा कि ठीक है बना दे। तो मैं उसके लिए फिलहाल सब्जी तो मैंने बनाई रखी थी, तो मैं उसके लिए रोटी डालती हूँ, जब तक वो आ भी जाएगी, तो फिलहाल डालते हैं उसके लिए रोटी।
प्लान हो चुका है चेंज। मैंने मम्मा से पूछा आपको भी खाना खाना था, उन्होंने बोला कि ऐसा कर तू पुलाव बना ले, वो लोग भी खा लेंगे, मतलब उसका भाई भी आ रहा है शायद से, तो और ये भी खा रहे क्योंकि टाइम तो हो रहा है, दोपहर हो चुकी है। देखो तो मैं अब चेंज कर दिया मैंने, अब मैं पुलाव बनाऊंगी, तो जल्दी जल्दी इसे कट कर लेता है सब्जी वगैरह। मम्मी यहाँ पे निक्की से मेरी बुराई कर रही है, देखो अभी आप बुराई करती है, बजाज जाएंगे नेल पॉलिश और वही खरीदने लग जाएंगी, यही बोलती आप। वही इसी की कमी नहीं है मेरे हम बजाज जाएंगे ठीक है, मैं अपनी कमी बता रही हूँ, तेरी कमी नहीं बता रही। पता क्या करेंगे हम, कहेंगे हमें चलो लिपस्टिक दिखा दो रकम वाली, और सबसे पहले महंगी बजाएंगे बन चुके हैं पुलाव, अब देखते हैं कैसे बने, अच्छे बने होंगे, हर बार तो अच्छे बनते हैं, इस बार भी अच्छे बनने चाहिए। बन चुका है मेरा पुलाव, फिलहाल मैंने बना दिए हैं, और देखो ये लोग खा नहीं रहे, खा लो भाई तुम्हारे लिए बनाए हैं, खा ले, तेरे लिए चाय भी बनाई है। निक्की जा रही है, कैसे लगा बता दो दे। बहुत अच्छा बन रहा था खाना जो हमने खाया। और तू बता कैसा लग रहा था? बेस्टी इसके हिसाब से बेस्टी गाइस, उसको मतलब पसीने आ गए थे क्योंकि इसके हिसाब से हो रही थी मिर्च, पर इतनी थी नहीं क्योंकि उसे कम पसंद है, है ना। अगली बार मैं तेरे हिसाब से बनाऊंगी, आज मैंने इसके हिसाब से बनाए थे चटपटे। बाय गाइस, ये हमेशा मुझसे चॉकलेट मांगते हैं, मुझे शर्मिंदा करता है। तेरी चॉकलेट मैंने ऐसे दी थी जो मैंने खा ली, मुझे पता नहीं था। हाँ पर मैं एक दिन गाइस इसको दूंगी, एक दिन आएगा आएगा जरूर, जिस दिन मैं इसको चॉकलेट दूंगी दूंगी जरूर, पर मैं जब भी दूंगी ना एक रिकॉर्ड करके दूंगी, तब भी ऐसी बोल रही हूँ की गाइस मैंने आज इसको चॉकलेट दे दी है। निक्की और आशु जा रहे हैं घर, घर जाके फोन कर देना मुझे, सही सलामत पहुंच चुकी हूं मैं। विदेश जा रही है गाइस। हेलो गाइस बोला, बाय गाइस। हेलो गाइस चलो तक छोड़ कर आती हूं भाई मैं गाइस, तो दोनों जा रहे हैं, वो गए अपने घर, बाय। मैं चलती हूं ऊपर, तो हम जा रहे हैं मार्केट स्वाति के लिए स्लीपर लेने के लिए, फिलहाल चलते हैं। हम सैटरडे में भी गए थे पर सैटरडे में मिली नहीं थी, तो आज देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। तो मम्मा लेकर आई है गमले, सारे ले आती मगर कैसे लेकर आती, स्कूटी में जगह नहीं थी, आसानी से लेकर आई वो भी हम। तो फिलहाल ये लेकर आई है, कौन सा पौधा है मुझे तो पता नहीं, ये कौन सा पौधा है जिससे लेकर आया मैं कितना पता था। अच्छा, और ये वाला, ये दोनों एक ही है, दोनों एक, और ये ये भी बता ना कौन सा पौधा, पैसे उठा के लिए आई नहीं, बताते नहीं है। देखो उसने बोला है कि अगर इसके साथ पत्ता उतर जाए ना तो इसे यहाँ से काट दो, वो अपना भी एक महीने बाद आ जाएगा। अच्छा, तो गाइस फिलहाल तीन सालों साल चलेगा, ये मरने का नहीं है पौधा, ये वाला पौधा मरने का तो ये भी नहीं है, मतलब ये ऐसे एक महीने की गारंटी नहीं ले सकते भाई। अच्छा, और ये गारंटी की बात क्या है, चलेंगे बहुत बड़े हो जाएंगे, ये देखभाल जैसे करेंगे वैसे चलेंगे। फिलहाल गाइस मम्मा तीन पौधे लेकर आई है, और मैंने बोला था ना सुबह कि मम्मा मतलब वहां तक कर देगी, मम्मा वहां तक लाइन लगा देगी पौधे की, और ऐसी देखो वो कर रही है, तीन लेकर आई है, और जो उनका ऑफ होगा तब लेकर आएंगी, मतलब ऐसे लेकर आती आएंगी, हर महीने लेकर आया करूंगी, जगह नहीं थी कहीं भी, और बदल बदल कर लेकर आती, बड़ी मुश्किल से लेकर आए, इसको डिपे स्पेस नहीं होता ना बिल्कुल, हमारा गुम गमला समझ सकती हूँ मैं, किस दिन टेम्पो में धरवा के लेकर आऊंगी, बहुत शौक है हमें। वहाँ पे भी गए थे स्वाति की स्लीपर लेने गए थे, बट हमें नहीं मिली, सैटरडे में भी नहीं मिली थी और आज भी नहीं मिली, तो हम शॉप पर देखने जाएंगे कल। क्या कर रखा है तुम लोगों ने, कम बोलना चाहिए, हम गमला बो रहे हैं, गमला देखना कैसी मिट्टी वगैरह लगा रखी है हम पौधे बो रहे हैं भाई, हम देखो पेड़ ले गए हैं, रात तो लगा रहे हैं। हाँ, और पूजा देखो कैसे लगी पड़ी है, कैसे लगी पड़ी है, छुई मुई का पेड़ मिलेगा, छुई मुई का पेड़ तेरह तरह होगा, जो ऐसे करके अगर से छेड़ा तो ऐसा हो जाएगी, और अगर से ना छेड़ा तो ऐसे, तू हो गया। खाते हैं फिलहाल खाना, और आज की घर से आई थी कड़ी, तो कड़ी और दाल चावल खाते हैं मस्त। फिलहाल खाना पीना सब हो गया है,
और निक्की ने कढ़ी भेजी थी भाई, बहुत टेस्टी बना रखी थी जिसने भी बना रखी थी। ये तो मुझे पता नहीं किसने बनाई थी पर बहुत अच्छी बना रखी थी, शायद आंटी ने बनाई थी। आंटी जी से 6 बजे आती है, यानी किसने बनाई थी, पर बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही थी। आदि लेकर आया था, मजा खड़ा कर दिया मतलब खाने ने। पता नहीं किसने बनाई थी ये तो नहीं मैं बोल सकती थी क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, अगर मैं गलत बोल दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। तो फिलहाल बहुत अच्छी लगी थी और खाने वगैरह सब हो गया है। बस यहाँ पे व्लॉग मेरे को एंड करना है क्योंकि एडिट करना है। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया, पसंद आया तो करना लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छे से व्लॉग में, देख लो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।